पासबुक में जब आपके पास स्टेटमेंट आई तो बैंक चार्जेस, बैंक जो चार्जेस थे वो आपको माइनस मिले। ठीक है, हमारे यहाँ पर तो उनकी कोई डिटेल ही नहीं थी, तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं थे। हमें अगर अपने यहाँ रिकॉर्ड करने हैं तो माइनस करने पड़ेंगे सर, बहुत सिंपल था। और अगर हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो हमें इसे रेक्टिफाइड करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। और इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो चार्जेस प्लस माइनस था, सॉरी माइनस था, एंड बैंक इंटरेस्ट जो होगा वो प्लस होगा। अगर इंटरेस्ट है तो वो प्लस होगा, क्लियर। और यहाँ पर उसकी कोई डिटेल नहीं है, नील है, तो यहाँ पर हमें वो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा इन द केस ऑफ कैश बुक। और इन द केस ऑफ पासबुक अगर करते हैं तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा। एक बार आप इन सभी डिफरेंसेस को समझ जाओ, कुछ भी नहीं रखा फिर चैप्टर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं जी। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये होगा कि डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। क्या कह रहा है इसमें कि डायरेक्ट ही हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी बाय द बैंक। हमने डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कर दी, मतलब क्या है कि हमने से मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पर किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया। किस चीज़ का सर? हो सकता है भाई हमने उसे अथॉरिटी दे रखी हो, परमिशन दे रखी हो कि आप ना हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हर ईयर के हिसाब से, ईयरली और हाफ ईयरली जैसे भी जाता है, आप उसे पेड कर दीजिए। ठीक है, तो बैंक ने क्या करा, वो डायरेक्ट पेमेंट कर दी और वो पेमेंट हमारी पासबुक में चढ़ी हुई आई है। जब हमें कब पता लगा, जब बैंक स्टेटमेंट आई है, तो यहाँ से तो माइनस हो गई। क्या है ये? पेमेंट है, पेमेंट पासबुक में। तो इसे एक सेकंड नीचे कर लेते हैं। पासबुक में तो पेमेंट क्या कर दी उसने, माइनस कर दी। लेकिन हमें कुछ पता था नहीं, हमें कब पता लगा, जब बैंक स्टेटमेंट आई। हम इस डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू कैश बुक अगर हम चल रहे होंगे, अगर अकॉर्डिंग टू कैश बुक अगर हम चलेंगे तो इसे माइनस करना पड़ेगा हमें सेम करने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर पासबुक चल रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, ये हमारी रेक्टिफाइड हो जाएगी। क्लियर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी लिख लेते हैं, बिकॉज शेयर्स वगैरह पे जो हमें मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब क्या है सर? भाई ये भी एक सिचुएशन है जो कि रीजन क्रिएट, डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। जैसे क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझो, अकाउंट्स में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसने समझ ली वो अकाउंट्स को समझ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, क्या कह रहा है? इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, वो कलेक्ट करा है बैंक ने। हो सकता है हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो सकता है कि हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रही हो जिसका पैसा, जिसका इंटरेस्ट, जिसका डिविडेंड डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जाता हो। तो बताओ कि यहाँ पर पासबुक में वो प्लस होगा या नहीं होगा? हाँ सर, पक्की बात है होगा। और इसकी हमें डिटेल कब मिलेगी, जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो हम अपने यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसे फिलहाल समझने के लिए कैश बुक में नील कर लेंगे, ठीक है। पासबुक में एंट्री ये चढ़ी हुई आई है, इस बार जो दिक्कत हुई है कहाँ हुई है, कैश बुक में। क्यों? क्योंकि पासबुक में रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इसे ठीक करने के लिए, अब तो आप समझ गए हैं ठीक करने के लिए, यहाँ भी सिक्स पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू कैश बुक चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू अगर पासबुक चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा रेक्टिफाइड करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, या बाय एनी कस्टमर आप इसे बोल सकते हैं।
हाँ, ये कैसे डिफरेंसेस क्रिएट करेगा? ये ऐसे डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके लिए कि किसी बंदे ने, किसी कस्टमर ने, जिसको हमने गुड्स सोल्ड करे हुए हैं, किसी हमारे कस्टमर को हम डेटर भी बोलते हैं, ठीक है, किसी हमारी पार्टी ने डायरेक्टली क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया इनटू आवर बैंक अकाउंट, उसने हमारे बैंक में डायरेक्टली पेमेंट दे दिया। और डिफरेंस कैसे होगा उसके, हमारे पास रिकॉर्डेशन नहीं आई है। पॉइंट नंबर 7 में डायरेक्टली अगर वो पेमेंट मेड करता है कहाँ पर, हमारे बैंक अकाउंट में, तो वो पासबुक में प्लस होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, पासबुक में तो वो डिफरेंस है, पासबुक में तो वो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि वो रिकॉर्डेशन है पासबुक में और हमारे कैशबुक में हमें बताया नहीं है उसने, ठीक है। जब बैंक स्टेटमेंट आई, पता लगा कि हाँ भाई उससे पेमेंट आ गई है, तो कैशबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हमें प्लस कर लेना होगा और पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हमें माइनस कर लेना होगा, ठीक है सर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे जो हो सकते हैं वो और टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि एरर्स एक हो सकती हैं कि आप इसे बोल सकते हैं कि केयरलेसनेस की वजह से, जैसे कि ओवरकास्ट हो गया है, टोटल ओवरकास्ट ऑफ टोटल, कैशबुक का हम टोटल लगा रहे थे, बैंक कॉलम हमने क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, या हमने अंडरकास्ट ऑफ टोटल, हमने गलती करी है तो हम ही उसे सुधारेंगे, जैसे आएगा क्वेश्चंस में हम उसे उस तरीके से ट्रीट कर लिया करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या बिल वगैरह के भी अभी डिफरेंसेस आएंगे क्वेश्चंस में कि बिल हमने पेड करा लेकिन वो डिसऑनर हो गया, ठीक है ना, उस तरीके से हम उन्हें चीज़ों को देखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। आइए कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इसमें सर। की पॉइंट्स कैसे भाई होगा क्या, अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है एक्चुअली, कैशबुक जो होगी, हम रिकॉर्डेशन कैश का नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, तो यहाँ पर ऐसे लो कि बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, यहाँ जो होगा डेबिट क्रेडिट पता ही है सबको, ठीक है, और रूल्स भी सबने वो गोल्डन रूल्स पढ़ ही रखे होंगे। होगा क्या कि कैशबुक में अगर कोई डेबिट में चीज़ है तो उसका मतलब यह है कि वो प्लस है, कैशबुक से मतलब कैश का नहीं, बैंक का मतलब। हम अपने यहाँ पर अगर कोई चेक आता है तो एंट्री क्या बनाते हैं, हम अपने यहाँ एंट्री बनाते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिस भी पार्टी से आया होगा, तो बैंक हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, प्लस मतलब अगर आता है डिपॉजिट, अगर कोई अमाउंट होगी तो वो हम अपने यहाँ पर प्लस कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और क्रेडिट कब करते हैं, किस सिचुएशन में, जब अपने यहाँ माइनस, मतलब या तो किसी ने, या तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए हों, या हमने कोई अमाउंट विड्रॉ कर ली हो, तो हम उसे अपने को माइनस कर देंगे अपने यहाँ पर, अपनी कैशबुक में बैंक कॉलम को, ठीक है सर। समझाया क्यों समझाया, इसलिए कि लोचा अब आएगा हल्का सा, वो ये कि बैंक जो करता है वो इसका रिवर्स करता है, मतलब सर आप इसे रिवर्स तरीके से समझो, करता तो वो ठीक है, कैसे कि बैंक का जो डेबिट होगा हमारी पासबुक में, अगर बैंक ने कुछ डेबिट कर रखा है तो वो माइनस कर रखा है। अच्छा सर, जैसे अगर चार्जेस लगाए ना बैंक ने, तो वो माइनस मतलब डेबिट में आएगा, बैंक स्टेटमेंट की विड्रो वाली कॉलम में लिखा हुआ आएगा, इस कॉलम को बैंक स्टेटमेंट में विड्रो का कॉलम भी बोलते हैं, और इस कॉलम को जो बोला जाएगा क्रेडिट वाले को, वो बोला जाएगा डिपॉजिट वाला। किसी बंदे ने अगर चेक, किसी पार्टी ने चेक अगर डिपॉजिट करा, प्लस करा, तो वो क्रेडिट होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट में, आपकी पासबुक में, लेकिन वही चेक आपकी कैशबुक में, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, वो क्या होगा, प्लस होगा, डिपॉजिट है ना, देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई चार्जेस लगाया गया है तो वो माइनस मतलब डेबिट, अगर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड या किसी ने डिपॉजिट कराया अमाउंट, प्लस तो क्रेडिट। सीधा सीधा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक हम अपने यहाँ करते हैं प्लस, तो वो डेबिट होगा, डेबिट में अगर कोई चीज़ पड़ी है प्लस, प्लस होगा तो डेबिट, अगर माइनस होता है तो क्रेडिट। बैंक के केस में अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो वो प्लस हो रही है, लेकिन अगर माइनस हो रही है तो वो डेबिट हो रही है, समझ जाना इस बात को, ये की पॉइंट्स हैं इसका, ठीक है जी। और इसके जो आगे चलते हैं थोड़ा सा,
इसमें चार सिचुएशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, हमें जो क्वेश्चंस में आएगा वो चार तरीके से आ सकता है क्वेश्चंस। क्या? जैसे कि अब कैशबुक का प्लस बैलेंस, कैशबुक का माइनस बैलेंस, बैंक का प्लस बैलेंस, सॉरी प्लस बैलेंस, और बैंक का माइनस बैलेंस। देख लेते हैं उसे अलग अलग क्या होता है। ये बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है। दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें आएगा आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, और फोर्थ एंड लास्ट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझाना ये है कि इनका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात है, चाहे कैशबुक हो चाहे पासबुक हो, अगर उसने सिंपल बस दिया हुआ है बैलेंस, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस अगर लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि हमारा बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। कौन सा है? पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है जी। यहाँ भी पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट की नज़र से देखते हो तो ये जो बैलेंस है, चूंकि अभी ये कैशबुक का है, तो कैशबुक में अगर डेबिट मतलब प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वो डेबिट होगा कैशबुक के अकॉर्डिंग। ये कौन सा बैलेंस होगा? कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर उसी बैलेंस को हम पासबुक की नज़र से देखेंगे तो वो क्रेडिट होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कहने का कि अगर क्वेश्चन आता है आपको कि बैलेंस एज पर कैशबुक के अकॉर्डिंग चलो आप, ठीक है, देखते हैं हम वो किसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। जैसे मेरा जो तरीका है कराने का, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, लेकिन आपको समझ जाना है कि इसमें कैशबुक में जो बैलेंस दिया हुआ होगा एज पर कैशबुक, वो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो वो बैलेंस आपका क्रेडिट होगा, पॉजिटिव होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। अब बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। कैशबुक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कैशबुक। मतलब क्या है कि कैशबुक कैशबुक दो बैलेंस और पासबुक पासबुक दो बैलेंस हो गए। तो फेवरेबल अगर यहाँ पहुंच गया तो अनफेवरेबल हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैलेंस जब हमारा माइनस में होता है। तो कैशबुक का अगर उसने माइनस दिया हुआ है, यहाँ ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो हमें समझ जाना है कि वो क्रेडिट बैलेंस है और माइनस में है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। सॉरी गाइज। लास्ट जो होगा पासबुक, यहाँ पर पासबुक का क्या था? क्रेडिट बैलेंस था, तो ये कौन सा हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब ये ओवरड्राफ्ट का पासबुक, और ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस, मतलब नेगेटिव, अनफेवरेबल बैलेंस। अब सर फॉलो किसको करना है, कैसे कैसे करना है, वो हम हालांकि क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर समझेंगे। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखें। एक क्वेश्चन होगा और देखते हैं पहले को, अगर पहला क्वेश्चन मतलब मीन सॉरी पहली सिचुएशन अगर दी हुई है क्वेश्चन में कि बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है आपको, समथिंग वट एवर जो भी दिया हुआ है आपको, तो आपको फॉलो कैशबुक ही करनी है। ये आपको मैं जो बता, पासबुक दिया हुआ है तो वो पासबुक को ही फॉलो करेंगे। मतलब क्या है सर? याद करने का तरीका, याद करने का तरीका ये है सिंपली कि अगर फेवरेबल बैलेंस किसी का भी दिया हुआ है, कैशबुक का हो या पासबुक का हो, तो हम पासबुक और कैशबुक को ही फॉलो करेंगे। चाहे गलती कहीं भी हुई हो, हम अपने फेवरेबल बैलेंस जिस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आ रहे हैं, कवर करते हुए आ रहे हैं, उसे ही ठीक करेंगे। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।